आयुष। ओ आयुष, दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है। हाँ मम्मी, खोलता हूँ। अरे आयुष, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे लगता है मुझे ही खोलना पड़ेगा। अरे सरिता, तुम आओ आओ। अरे अरे रीना, क्यों परेशान दिख रही हो? क्या कहूँ सरिता, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये बच्चे सिर्फ टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। बाहर कहीं खेलने नहीं जा सकते और ना कोई समर क्लासेस। रीना, ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं, सभी पेरेंट्स की है। हाँ तो क्या करें, ये भी समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है, नागपुर का नूतन भारत विद्यालय और जूनियर कॉलेज है, उन्होंने विद्यार्थियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस का आयोजन किया है। इस मस्ती की पाठशाला में उन्होंने आर्ट क्राफ्ट के साथ साथ मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट का भी समावेश किया है। नूतन भारत विद्यालय, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नूतन भारत विद्यालय नागपुर में है। यहाँ बच्चों को आनंददायी शिक्षण, लर्न विथ फन संकल्पना के अनुसार पढ़ाया जाता है। सरकार ने निर्देशित किए हुए पाठ्यक्रम के उपरोक्त यहाँ अलग अलग खेल, मेडिटेशन, फनी ट्रिक्स, जनरल नॉलेज, प्रोजेक्ट्स, इनकी सहायता से आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आज का युग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का महत्व रखता है, उसे समझकर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों से करवा ली जाती है। इस स्कूल के बच्चे नेशनल लेवल तक के एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करके अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मस्ती की पाठशाला का आयोजन बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर ही किया गया है। मस्ती की पाठशाला, यह संकल्पना तो बहुत अच्छी है। हाँ, इससे बच्चों को नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और साथ ही साथ उनके पढ़ाई में भी ये काम आएगा। थैंक यू सरिता, तुमने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। मैं भी मस्ती की पाठशाला में पार्टिसिपेट करूंगा। चलो तो आज ही नूतन भारत विद्यालय और जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नए नए अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए।